नमस्कार, राजेश्वर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भर्जन किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा भर्जन के दौरान कौन सी रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं इस बात को भी बताया जाएगा। हम जानते हैं कि आयक्स से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। आयक्स धरती के अंदर से निकाला जाता है, उसमें तमाम अशुद्धियां रहती हैं, तो आयक्स का सर्वप्रथम सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के बाद आयक्स से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है और अंत में धातुओं का शोधन किया जाता है। जब हम आयक्स से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो उसी में एक पद आता है भर्जन, जिसे अंग्रेजी में रोस्टिंग कहते हैं। तो देखिए, रोस्टिंग भर्जन क्या होता है? वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं भर्जन कहलाता है। वह रासायनिक क्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करते हैं भर्जन कहलाता है। भर्जन की क्रिया मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। भर्जन की जो क्रिया होती है मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इसमें भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा सल्फर आर्सेनिक आदि अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। होता क्या है, यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होती है जिसमें सल्फाइड अयस्कों का ऑक्सीकरण होता है तथा सल्फर आर्सेनिक आदि जो अशुद्धियां होती हैं वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखें उदाहरण, कॉपर पाइराइट अयस्क पहले ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड बनाता है, बाद में ये ऑक्साइडों में बदल जाते हैं, अर्थात क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर कॉपर पाइराइट को ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और ये जो कॉपर पाइराइट है वह क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जहां सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अब पुनः होता क्या है, क्यूप्रस सल्फाइड पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्यूप्रस ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाती है। फिर इसमें से फेरस सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से पुनः क्रिया करती है, फेरस ऑक्साइड बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ते हुए रासायनिक प्रक्रिया, क्योंकि हम जानते हैं भर्जन की प्रक्रिया जो होती है सल्फाइड अयस्कों के लिए मुख्यतः होती है। अब देखिए इसमें यदि अन्य अशुद्धियां हैं, यदि इस अयस्क में अन्य अशुद्धियां हैं जैसे सल्फर है, तो सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है और बाहर निकल जाता है। यदि आर्सेनिक अशुद्धियाँ हैं तो वो भी ऑक्सीजन से क्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है और बाहर निकल जाता है। इस प्रकार भर्जन प्रक्रिया में जो होती है ऑक्साइड एक्स होते हैं वो ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइडों में बदल जाते हैं। नमस्कार।